नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेवेंथ एपिसोड ऑफ शेयर समाधान के साथ सारे समाधान। मैं विकास जैन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट सेंसेक्स इज टचिंग ऑल टाइम हाई। एज एन इन्वेस्टर काफी अच्छा लगता है, बट आपने कभी सोचा है कि आपके खुद के इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स में आपने कर रखे हैं, जो आप अलग अलग ब्रोकर के वहां आपने डीमैट अकाउंट खोल रखा है, बट किसी भी रीजन से वो उन शेयरों को आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो कितना बुरा लगता है। एक तरफ शेयर मार्केट बढ़ रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं, बट किसी भी रीजन से आप अपने शेयर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, यही आजकल काफी कुछ टाइम से इन घटनाओं के बारे में अपन काफी सुन रहे हैं। लास्ट 12 महीने में आप आश्चर्य होंगे कि 15 या 16 स्टॉक ब्रोकर हैव गॉन डिफॉल्टेड। सो यू नो, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने शेयर्स को भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीजन से वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। काफी बड़े बड़े नाम हमें लास्ट 3-4 दिनों में भी सुनने को मिला है, इंक्लूडिंग कारवीज एंड अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग काइंड ऑफ एंटिटीज। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नेक्स्ट 30 मिनट्स में वी विल ट्राई एंड टेक रैपिड फायर राउंड विथ वन ऑफ आवर कलीग श्रेय फ्रॉम शेयर समाधान, सो दैट आप के जो भी कंसर्न है कि एक ब्रोकर जब डिफॉल्ट हो जाता है तो क्या एक इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से उनके क्या राइट है, उनको कहाँ अप्रोच करना पड़ता है, उनके शेयर्स निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, तो इन काफी क्वेश्चंस का हम सवाल ढूंढने की चेष्टा करेंगे इन नेक्स्ट 30 मिनट्स। सो विद दैट लेट मी वेलकम माय कलीग श्रेय। सो गुड इवनिंग श्रेय। या गुड इवनिंग सर। सो बिफोर वी टेक लॉट ऑफ क्वेश्चंस, श्रेय, इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ कि ये जो स्टॉक ब्रोकर्स का जो डिफॉल्ट का फियास्को है वो जो काफी बढ़ रहा है, तो ये डिफॉल्ट किस स्टेज में इनको डिफॉल्ट माना जाता है और ये क्यों होता है? बेसिकली जब भी कोई भी ब्रोकर अपने यू नो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सिक्योरिटीज या जो मार्जिन मनी है वो पे नहीं कर पाते हैं, टाइमली सेटलमेंट नहीं कर पाते उसका, तब जो है उसके अगेंस्ट कंप्लेन रेज होती है, और फिर उसमें सेबी ये देखती है कि जो कंप्लेन रेज हुई है उतना अगर वो ब्रोकर को बोलती है कि आप इसको सेटल करो और उनके अपने इन्वेस्टर्स को आप पे कीजिए, बट अगर अपने रिसोर्सेज से वो इन्वेस्टर्स को पे नहीं कर पाता है ब्रोकर, तो देन इट इज सेड कि यू नो द मेंबर हैज टू बी कंसीडर्ड एज डिफॉल्टर एंड दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। सो मान लीजिए उनका अगर 100 करोड़ का कॉर्पस है और उन्होंने अगर 100 करोड़ से ऊपर की सिक्योरिटी जो है उन्होंने ट्रांसफर कर लिया है अपने नाम पे या वो टाइमली सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही वो अपने कॉर्पस से क्रॉस करते हैं उनको डिफॉल्टर मान लिया जाता है। फेयर श्रेय। सो श्रेय, अभी करंटली यू नो वी हैव बीन यू नो नोटिसिंग लॉट ऑफ यू नो प्रिंट मीडिया कवरेजेस ऑफ द लार्जर ब्रोकर ब्रोकिंग हाउसेस गोइंग यू नो डिफॉल्टर। सो व्हाट द एनएससी एक्शन मींस फॉर specifically Carvey and Anugrah stock broking investors, from investors perspective you know whatever action they have taken, so usko aap as an investor usko kaise read karte hain? Yeah, see, as an investor kyunki ab NSE ne defaulter declare kar diya hai Carvey ya Anugrah ya aise kai brokers hain jinko pichle ek saal mein unhone declare kiya defaulter. So once it is declared as a defaulter, that means ki, the broker will not settle the claim to the investor directly. Now the investor needs to approach to the stock exchange, NSE or BSE, jo apne country mein do major stock exchange hai, unko apno approach karenge, aur ab wo exchange jo hai, fund kyunki ab broker ke paas exhaust ho chuka hai, so unka ek investor protection fund hota hai, to wahan se wo investor ke claim ko settle karte hain. So that you know the investors are obviously they are hit hard, but at least they try to cushion to some extent for their lost investment. Fair. So इसका मतलब अब broker default हो गया तो अपना investors का जो last सहारा है
that is exchange only. So still they should not lose their hope. They can still approach both the exchanges for getting some respite. Obviously. Say over last couple of days, हमें काफी query आई है, so we'll have a rapid fire round. So some of the investors asking that, are my investments safe with my broker? Yeah, in the first instance, I would say it is safe because the brokers are registered with SEBI. They are regulated by SEBI regulations. उनको उनके सभी जो guidelines उनको follow करना पड़ता है. Which is very strict and investor friendly, but again they are it's a part of business. कि there are also some unscrupulous brokers जिन्होंने इस तरह के frauds किए हैं SEBI के कुछ नियमों के loopholes निकाल के या जो कुछ consumers के investors के लिए benefit के लिए जो facility दी गई थी उसको misuse करके वो investors के fund या investors के securities को वो जो है अपने नाम पे transfer कर लेते हैं उसको manipulate कर लेते हैं. So, if with that scenario, obviously, it is, initially, I would say it is safe, but with such brokers instances happening, you need to be very aware and cautious about your investment. Yeah. So, selection of broker is very important, right? Yeah, definitely. The integrity of broker, their track record matters a lot. Yeah. So, another investor is asking, I was having shares in my DMAT account. But in my latest statement, I see some of the scripts are missing. So, ये क्यों होता है? नहीं, इसका एक reason तो ये सकता है कि अगर मैं normal term से बोलूँ कि अगर उसने share sell कर दिए हो तो ये चीज होता है. But अगर investor ने share sell नहीं किए हैं, then it's an alarm कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है broker की तरफ से. क्योंकि अगर आपने नहीं बेचे तो share कहाँ गए? ठीक है? So then you need to contact your broker and tell कि भाई मेरे इतनी holding दिखा रही थी last month. क्योंकि हर broker को हर month end पे holding statement भेजना होता है. तो अगर आपके हर month end statement में difference आ रहा है and you know कि आपने बेचा नहीं है उसे, then you need to ask your broker कि वो statement shares कहाँ missing है. So lesson to be learned, regular basis में आप अपने account statement को जरूर review करते रहिए. You never know, कभी कभी ऐसी activities हो सकती है. बिल्कुल. Next query, how do I ensure share reflecting in my broker's account are actually lying in my DMAT account? So same yeah. question to review Bilkul. His account statement on a regular basis. बिल्कुल. और इसमें क्या है कि exchanges, stock exchanges, regulatory authorities उन्होंने बहुत सारी system बनाया है जहां से ये fraud ना हो. जैसे कि मैं बताऊँ stock exchange है NSE और BSE, वो आपको हर महीने एक consolidated account statement भेजते हैं जिसमें आपकी पूरी होल्डिंग जो एक्सचेंज के हिसाब से है वो सारी वो भेजते हैं. एंड दैट इज द एक्चुअल होल्डिंग यू आर हैविंग. देयर मे बी सम डिस्क्रिपेंसी इन द ब्रोकर्स लेजर व्हिच दे सेंड, बट जो स्टॉक एक्सचेंज का लेजर जो स्टेटमेंट है दैट इज फाइनल. सो वी नीड टू ऑल्सो समटाइम क्रॉस चेक की जो स्टॉक एक्सचेंज ने जो लेजर भेजा है और जो ब्रोकर ने भेजा है, इज देयर एनी डिफरेंस इन दैट. इफ देयर इज एनी डिफरेंस दैट मीन्स की कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है उसमें. So obviously you need to regularly cross check your accounts and statements. As a extra precaution, investors को इस चीज को जरूर से track करना चाहिए कि अगर आपके statement broker से आना अगर बंद हो गया या irregular हो गया, that also indicates an alarm. So कभी आपको ऐसा experience हो, you should immediately raise this particular matter to a broker. Yes. From one of the investors, my broker transferred the shares from my account to its own pool account without my permission. How can I recover it? See, एक broker इस तरह से कर नहीं सकता because it transferred the shares, it needs your permission. But unknowingly, we do not know. जब हम account खोलते हैं, we give a power of attorney to our broker. The power of attorney is basically given to for the convenience that I don't have to give daily instructions to my broker ki aap mera account debit kar do ya credit kar do. But usi facility ko misuse karke brokers kya karte hain ki wo shares ko apne account mein transfer kar lete hain pool account mein. Aur ab jaise ki agar aap aware nahi hai, aap regularly apna statement check nahi karte hain, so you would not come to know ki aapke mein se wo shares missing hai.
बट इस केस में यही है कि आपको स्टॉक सॉरी आपको ब्रोकर को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर ब्रोकर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल होती है, वहां पे आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। फेयर। सो माय ब्रोकर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर बाय स्टॉक एक्सचेंज, सो जैसे जैसे करता है तो आपको इंटीमेशन आ जाती है। सो द क्वेश्चन इज दैट कैन आई स्टिल रिकवर माय इन्वेस्टमेंट? Definitely you can recover your investment with the stock exchange. As I earlier said, आपको पहले ब्रोकर से कंप्लेन और फिर स्टॉक एक्सचेंज से कंप्लेन करनी होती है, बट अगर वो डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया है तो ओनली स्टॉक एक्सचेंज विल एड्रेस योर क्लेम। एंड बट उसमें यह है कि आपको कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट गई है उसका कैपिंग है। इट्स नॉट दैट कि अगर आपकी 50-60 लाख की इन्वेस्टमेंट गई है तो आपको पूरी की पूरी मिलेगी। उनकी एक कमिटी है, डिफॉल्टर्स कमिटी, वो आपका क्लेम एनालाइज करेगी, आपके डॉक्यूमेंट देखेगी और उसके बाद डिसाइड करेगी कि आपको कितना क्लेम दिया जाना चाहिए। सो लेसन टू बी लर्न फॉर इन्वेस्टर्स कि अगर ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाता है सो फर्स्ट एंटिटी टू बी अप्रोच्ड इज द रेस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, rather than you know complaining it to SEBI's and other regulatory authority. Another query from one of the investors, what is the timeline for filing the claim in case of a broker defaults? Agar broker aaj default declare hota hai, last week do bade broker default ho gaye, to kis timeline ke andar investors ko apna claim launch karna padta hai? इन्वेस्टर्स के लिए क्लेम लॉन्च करने का जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का है, एंड दैट 3 मंथ्स इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। जिस दिन उसने स्टॉक एक्सचेंज ने पब्लिश किया कि ये ब्रोकर डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जा रहा है, वहां से आपको 3 महीने का टाइम मिलता है स्टैंडर्ड टाइम। बट अगेन आप उसको कंडोनेशन भी करा सकते हो, आप इन जेन्युइन सर्कमस्टेंसेज, अगर आपको लगता है कि आप किसी जेन्युइन के कारण आप 3 महीने में क्लेम फाइल नहीं कर पाए, so you can apply for condonation, but the ultimate right to allow the condonation जो है वो stock exchange के पास ही होता है कि वो अगर उन्हें लगता है कि आपका जो reason है वो genuine है तभी वो extend होगा। Okay, fair. So 90 दिन from the date of default declared by the respective stock exchange, right? So what is the maximum amount that I can recover in case of my broker has defaulted from exchange? This is a very important thing, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट काफी बड़ा होता है, तो लोगों को लगता है कि मेरा फॉर एग्जांपल अगर मेरा 50 लाख का इन्वेस्टमेंट या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुआ है, ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया है, तो आई वुड अज्यूम कि मुझे तो पूरा मिलना चाहिए। बट यू नो टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड में भी लिमिटेड फंड है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने एक लिमिट लगा रखी है। जैसे कि एनएससी ने दे रखा है 25 लाख का लिमिट और बीएससी ने 15 लाख का लिमिट लगाया हुआ है, तो भले ही आपकी कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो आपको जो मैक्सिमम कैपिंग मिलेगा वो एनएससी के केस में 25 लाख और बीएससी के केस में 15 लाख मिलेगा। उस चीज में ऐड करना चाहूँ कि ये वैल्यू भी जो है ये एक्सचेंज तब उस दिन के देखता है जब आपकी परचेज प्राइस के हिसाब से जो है, not the current market price. Okay. So, Shrey, इसमें we have received a couple of specific query कि अगर मेरे एक ही ब्रोकर में मल्टीपल अकाउंट्स हैं और वो ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाता है तो मुझे मल्टीपल अकाउंट मेरे नाम पे 25 लाख की कैप है या पुट टुगेदर एक पर्टिकुलर ब्रोकर में मेरी जो लिमिट है एक्सचेंज से जो मुझे मिलेगा वो 25 लाख है? नहीं, इसमें अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है तो भी आपको जो कैपिंग है 25 लाख की वो सभी अकाउंट को मिला के है, क्योंकि इसमें दो चीज देखी जाती है, एक तो पैन नंबर, क्योंकि पैन नंबर आपका सिंगल होगा, आपने भले कितना हो किया तो एक पर पैन नंबर 25 लाख का लिमिट होता है, और दूसरा चीज अभी जो एक्सचेंज ने कंपलसरी कर दी है कि हर क्लाइंट का यूनिक क्लाइंट कोड जनरेट करना होगा ब्रोकर को और उसको एक्सचेंज को इंटीमेट करना होगा कि ये इस क्लाइंट का यूनिक क्लाइंट कोड है, और उस यूनिक क्लाइंट कोड में सारे अकाउंट्स क्लब हो जाते हैं, तो पर यूनिक क्लाइंट कोड और पर पैन नंबर ही होगा वो। एंड व्हाट अबाउट श्रेय, इफ आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स विद मल्टीपल डिफॉल्टेड ब्रोकर, लास्ट 12 मंथ में सपोज 15 ब्रोकर डिफॉल्ट हुए हैं, सो आई हैव एन अकाउंट आरवी, आई हैव एन अकाउंट विद अनुग्रह ब्रोकिंग, आई हैव एन अकाउंट विद बीएमए एक्सवाईजेड डिफॉल्टेड ब्रोकर, सो
just 25 lakh rupees will apply per broker? Yeah, yeah. In that case, definitely 25 lakh rupees per broker hoga, because that default amount is counted as per broker. Okay. So अगर आपके जैसे कारवी में आपका डिफॉल्ट हुआ, अनुग्रह में भी आपका अकाउंट था, तो 25 लाख विल बी फॉर कारवी एंड 25 लाख विल बी फॉर अनुग्रह. ओके, फेयर. हाउ डू आई फाइल द क्लेम विद एक्सचेंज इन केस ऑफ माय ब्रोकर डिफॉल्ट्स? इफ यू कैन जस्ट ब्रीफली द प्रोसेस कि मुझे क्लेम फाइल करने के लिए क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी? जी, बेसिकली आपको कुछ करीब 10-11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट तो ऑब्वियसली आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन आधार हो गए, उसके बाद आपके चेक की डिटेल, बैंक की डिटेल हो गई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बैंक स्टेटमेंट पिछले दो फाइनेंशियल ईयर का, आपका डीमैट का लेजर स्टेटमेंट पिछले दो फाइनेंशियल ईयर का, और वैसे ही अगर ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट अवेलेबल हो तो, और उसके अलावा अगर आपने मार्जिन मनी रख रखा है ब्रोकर के पास तो उसकी डिटेल चाहिए, और उसके साथ आपका जो क्लाइंट कोड है, और इसके अलावा अगर आपने कहीं और प्लेटफॉर्म में कंप्लेन फाइल किया है जैसे सेबी या किसी दूसरे एक्सचेंज के पास, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ती है. और इसके दो फॉर्म में आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, या तो आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रिपेयर करके आप एक्सचेंज के को सबमिट करें, या दूसरा आप ऑनलाइन क्लेम भी फाइल कर सकते हैं. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए फॉर व्यूअर्स इंटरेस्ट, आपको क्लाइंट को अपना लेजर स्टेटमेंट मेंटेन करना और अपने लेजर स्टेटमेंट की कॉपी जो ब्रोकर में ब्रोकर भेजता है उसको आपको केयरफुली संभाल के रखना जरूरी है, अदरवाइज क्लेम सबमिट करने में आपको सब्सटेंशिएट करने में काफी तकलीफ हो सकती है. Next question came from one of the investors. Can claims be rejected by exchange under any circumstances? Yeah, there are many reasons. You know, as I said, ultimately claim is decided by defaulters committee. So they are the final authority. So they'll see that are the documents which you have provided are complete? Is the claim genuine? Is there any debit balance की मुझे broker से तो 10 लाख लेने हैं मुझे, but सामने broker को देने भी 2 लाख हैं, तो वो आप लेट अमाउंट ही मिलेगा उसमें. या फिर कई ऐसे कारण होते हैं जैसे कि आपने मान लीजिए प्लेज किए थे शेयर, तो एक तरह से वो लोन लिया आपने, तो उस केस में जो है आपका broker का claim reject हो सकता है. और अगर document complete नहीं है, या फिर आपने time से claim file या और आपको कंडोनेशन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ कारण है जहां पे आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है. सो अगर एनएससी और बीएससी में आपने एक्सचेंज में आपका क्लेम आपने फाइल कर दिया, अब वहां आपका क्लेम अगर रिजेक्ट हो जाता है, सो व्हाट इज द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स फॉर नेक्स्ट लेवल? या ऑब्वियसली जब डिफॉल्टर कमिटी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है, तो देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑप्शन प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर्स इज दैट यू नीड टू गो फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, जहां पे एक्सचेंज ही आपको आर्बिट्रेटर्स की लिस्ट देती है, 3-4 आर्बिट्रेटर्स की लिस्ट होती है जिसमें से आपको चूज करना होता है कि आप किस आर्बिट्रेटर के साथ जाना चाहेंगे, एंड देन एक्सचेंज कॉल्स टू यू एंड ऑल्सो टू द ब्रोकर, और उसके बाद आपके बीच में एक सेटलमेंट कराने का ट्राई करती है कि जहाँ पे आपके पॉइंट्स कहाँ मैच कर रहे हैं और ब्रोकर के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक रिकंसिलिएशन करने का ट्राई करती है. सो ऑब्वियसली इट इज रिजेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स डिफॉल्टर कमिटी, यू कैन गो फॉर द आर्बिट्रेशन आल्सो. अनदर क्वेश्चन रे, व्हाट आर द थिंग्स इन्वेस्टर शुड बी अवेयर टू अवॉइड लूजिंग इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ ब्रोकर डिफॉल्ट? किन किन चीजों का एब्सोल्युटली उनको ख्याल रखना जरूरी है so that at least future में at least potential broker default से वो बच सके? बिल्कुल, ये सबसे important चीज है कि broker default से अगर हमें बचना है तो हमें बहुत aware रहना पड़ेगा. और जैसे कि हमने अपने KYC totally update होनी चाहिए broker के पास, मेरा address updated होना चाहिए, and सबसे important mobile number और mail ID आपका updated होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि हमने 2-4 साल पुराने account खुलाया हो और उसके बाद मेरा mobile number या mail ID change हो गई, बट उसको मैंने अपडेट ही नहीं कराया, तो ब्रोकर जो आपको स्टेटमेंट भेज रहा है वो आपको मिलेगा ही नहीं, तो यू नॉट कम टू नो कि आपका क्या स्टेटमेंट आ रहा है. एंड उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सचेंज, क्योंकि अब एक्सचेंज भी आपको स्टेटमेंट भेजता है रेगुलरली, तो
तो अगर आपने ब्रोकर के पास अपनी मोबाइल नंबर मेल आईडी अपडेट नहीं कराई है तो एक्सचेंज का जो स्टेटमेंट है विच इज द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट वो भी आप तक नहीं आएगा और यू इट माइट बी लेट जब तक आपको पता चले कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया है. सो यू नीड टू बी अवेयर और इसके लिए एक्सचेंजेस भी काफी कैंपेन चलाती हैं. सो अवेयरनेस इज द ओनली सोल्यूशन. थैंक यू. One more query came just recently. I have around 2 lakh shares with Karvi DP and he is not transferring my shares for last 3 months after filing off market instruction slip. ये क्योंकि अब Karvi तो recently पिछले 2-3 दिन पहले ही defaulter declare हो चुका है तो आपने जो DP slip दिया होगा उसको अगर डिफॉल्टर डिक्लेयर करने से पहले होता तो यू कुड हैव लॉज्ड कंप्लेन विद द स्टॉक एक्सचेंज. बट क्योंकि अब ये डिफॉल्टर डिक्लेयर हो चुका है आपको डिफॉल्टर कमिटी के साथ ही कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी एंड दैट विल टेक इट्स ओन प्रोसेस. सो थैंक यू सो मच श्रेय. विद दैट होपफुली आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा एंड इसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेरी है यू कैन रीच आउट टू आवर ईमेल आईडी samadhan@sharesamadhan.com एंड मैं इन्वेस्टर्स एट लार्ज को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट इन्वेस्टमेंट करने के पहले वन शुड एंश्योर दैट दे विल ओपन एन अकाउंट विद अ क्रेडिबल ब्रोकर. तो वो आप इवेल्युएट करना काफी जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं मेहनत करते हैं बट अगर इन रीजन से किसी भी रीजन से अगर कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो जाती है एज एन इन्वेस्टर्स यू हैव टू जस्ट रोम अराउंड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. तो हम वो नहीं चाहते हैं एंड इसके बाद भी अगर कुछ हो जाते हैं तो आपके लिए शेयर समाधान इज ऑलवेज अवेलेबल. तो किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड अगर किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू शेयर समाधान. तो विद दैट लुक फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीकली एपिसोड फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज विच ए क्लाइंट माइट कम अक्रॉस. हैव ए ग्रेट वीकेंड. विद दैट यू नो आई एम चेकिंग आउट. थैंक यू सो मच.